Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take some another example. As I told you, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन बताने ज़रूरी हैं, तो उसका मैंने एक पैटर्न पहले से बना के देखा और रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर आपको काम करना सिखा रहा हूँ। देखिए आखिर है क्या, पहले मैं आपको इसका एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, देखिए आपने ये लिया है, जैसे कि मैं इस ओपन और क्लिक करूँगा पूरी स्क्रीन का कलर चेंज होगा, ऊपर एक टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, सम टेक्स्ट इन द मॉडल नहीं चाहिए, क्लिक किया इस आपके सामने। अब ये प्रोसेसिंग होगी कैसे, देखिए आपने यहाँ पर अपना एक व्यू पॉइंट क्रिएट कर दिया, जो मैटर लिखना है उसका फॉन्ट ये रहा। अब मुझे बैकग्राउंड क्लिक करनी, जो बैकग्राउंड क्रिएट करनी है जो मेरी आई थी ग्रे कलर की, मैंने उसका डिस्प्ले कर दिया नन है, पोजिशन फिक्स्ड करी, इंडेक्स 1, पैडिंग मुझे 100% लेके चलनी है, लोकेशन जो आपका बॉक्स आया जिसके अंदर आपका मैसेज था, लेफ्ट 0 है राइट 0 है, विड्थ 100% राइट 100, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर RGB तीनों का कलर 000 ले लिया यानी कि वाइट, यहाँ पर आए अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। जो बैकग्राउंड है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया राइट, कलर का नंबर ये जो आपने लेके चलते हैं CSS के अंदर। हमने यहाँ पर जो मार्जिन लिया, मार्जिन लेफ्ट राइट का मैंने ऑटो कर दिया फिक्स, पैडिंग 20%, मुझे लेफ्ट से कितना स्पेस चाहिए, बॉर्डर 1% का, विड्थ 100। अब जो उसका फॉन्ट है, फॉन्ट को मैंने ले लिया 28% का, विड्थ बोल्ड ली राइट। अब आपके पास जो ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पर ट्रिगर ले लिया, ट्रिगर मीन्स क्या होता है, जब मैं क्लिक करूँगा जो एक्शन परफॉर्म होता है वो मेरी ट्रिगिंग होती है, ट्रिगर बोलते हैं उसको। अब आपने उस ट्रिगर को चलाना भी है और बंद भी करना है। ये देखिए माई बटन को लिया और यहाँ पर जब बटन को मैं क्लोज करूँगा, ठीक है दोनों बटन ले लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो मेरे पास क्या व्यू होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन का बेस क्या होगा, अगर मैं इसका स्टाइल लेके चल रहा हूँ तो ब्लॉक है, हाइड करना है, अनहाइड करना है और स्क्रिप्ट को बंद करना है। देखिए यहाँ पे आए, आपने क्लिक किया तो ये आया, देखिए सब आपने मैटर लिखा, मैं क्लोज कर रहा हूँ दिस वन। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं चेंज यहाँ पर आपके लिए कहाँ गया ये रहा, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फॉर द टाइम बीइंग मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, यह छटा देता हूँ मैं, कंट्रोल एस किया यहाँ पे आया और आपने F5 किया, ये लीजिए जो बैकग्राउंड कलर आपका वाइट आ रहा था मैंने यहाँ पर रेड कर दिया। अगर मैं इसको बंद करता हूँ वापस क्लिक करूँगा वही चीज़ हाईलाइट होगी, कलर आप चेंज करना चाहते हैं ठीक है, बॉर्डर मोटा करना है यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, कंट्रोल एस आपने F5 किया दिस वन, ये लीजिए बॉर्डर भी हो गया। अगर बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है तो जो बॉर्डर है कहाँ पे किया था, मैंने ब्लू कर लिया F5, ये लीजिए। आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, आपकी एक्टिवेशन का मेथड क्या और नॉन एक्टिवेशन का मेथड क्या है, जो चीज़ आप लेके चल रहे हैं वन बाय वन उसको आप यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज इट्स अपॉन यू। बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप काम करेंगे ये आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है, यानी आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एंड कीप ट्राइंग ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।